हाय गाइस, वेलकम टू करी विद कमल। तो चलिए आज हम बनाएंगे आइसक्रीम, वो भी पार्ले जी बिस्किट से। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हमने लिया है 500 ग्राम फुल क्रीम मिल्क, 12 पार्ले जी बिस्किट, 4 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है मैंने, और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ले जी बिस्किट को इस तरह से रफली तोड़ के ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने बिस्किट को ग्राइंड करके इसका एकदम बारीक पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर मिक्स करेंगे। अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। ये हमने 500 ग्राम फुल क्रीम मिल्क को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, इसमें एक उबाल आ चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे चिपके ना। 7-8 मिनट के बाद ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाउडर ऐड करते जाएंगे, जो हमने पहले मिक्स करके रखा था। और इस तरह के बीटर से हम इसको बीट करते जाएंगे, जिससे कि इसमें लम्ब्स नहीं पड़े। ध्यान रखें, इसमें एक साथ सारा पाउडर ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा पाउडर ऐड करें और इसको अच्छे से बीट करते जाएँ। ये देखिए, हमने इसमें सारा पाउडर ऐड कर दिया है। फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे और इसे कॉन्स्टेंटली बीट करते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे चिपके भी नहीं और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। कुछ देर बाद देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो हमें इसमें इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आपको इसमें थोड़े से लम्ब्स दिखेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ऐसी कंसिस्टेंसी रखिए। मैंने इसमें 4 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दी है, पर मैं उस टाइम वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हमने बैटर को एक ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे और इसे एकदम स्मूथली ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है, इसमें एक भी लम्ब्स नहीं है। तो चलिए अब हम इसको एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। अब हम इसको एक बार अच्छे से टैप कर लेंगे और अगर आपके पास कोई बटर पेपर या प्लास्टिक हो तो उसको ढक्कन के ऊपर लगा के इस तरह से अच्छे से बंद कर देंगे और इसे 6 से 7 घंटे तक डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 7 घंटे के बाद ये हमारी पार्ले जी बिस्किट की आइसक्रीम बनके रेडी है। तो चलिए अब हम इसे स्कूप आउट करेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारी पार्ले जी बिस्किट से आइसक्रीम। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।